हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कर्नेल पढ़ा था। कर्नेल ऑफ टी क्या होता है ये देखा था। इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे नल स्पेस एंड कॉलम स्पेस। तो बेसिकली फर्स्ट जो डेफिनेशन 15.9 जो है वो है हमारे पास नल स्पेस की। तो नल स्पेस क्या होता है? अगर नल स्पेस की बात करें, द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन डिनोटेड बाई नल ए इज द सबसेट ऑफ आर एन कंसिस्टिंग द वेक्टर वी सच दैट ए वी बराबर जीरो। इन अदर वर्ड, वी बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए वी बराबर जीरो हो। यूजिंग सेट नोटेशन में हम इस तरह से कह सकते हैं, नल स्पेस ए बराबर वी बिलोंग्स टू आर एन सच दैट ए डॉट वी, यानी बी जो है ऐसे वेक्टर्स किसी मैट्रिक्स के लिए कि अगर ए ए से उनका मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो कॉलम वेक्टर्स में आना चाहिए। तो इस तरह से वो वेक्टर्स जो है वो हमारे पास नल स्पेस कहलाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देख सकते हैं कि जो हमने पहले लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, कर्नेल ऑफ टी क्या होता है। तो कर्नेल ऑफ टी ए बराबर जो होता है बेसिकली नल स्पेस ऑफ ए होता है। ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड करती है, यानी कि ये एक रिलेशन है जो कि होल्ड करता है। अब फ्रेंड्स, थ्योरम 15.10 जो है वो है, इफ ए बिलोंग्स टू एम जो है मैट्रिक्स है वो एम क्रॉस एन का है, देन नल ए जिसको नलिटी ऑफ ए भी कहते हैं इज द सब स्पेस ऑफ आर एन। तो नल ए जो है वो सब स्पेस होता है आर एन का। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं अगर चाहें तो प्रूव करने के लिए अगर देखें जो थ्योरम 15.10 से, इफ यू एंड वी आर टू सब सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर स्पेस ए एक्स बराबर जीरो, अगर यू एंड वी टू सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में एल्फा यू प्लस बीटा बी जो है वो भी अगर सॉल्यूशन है तो ए एल्फा यू प्लस बीटा बी बराबर, क्योंकि ये लीनियर लीनियर की बात कर रहे थे हम, ए और ये जो लीनियर मैपिंग थी तो ए एल्फा एल्फा ए यू प्लस बीटा ए वी। तो चूंकि एल्फा जो है कॉन्स्टेंट है, ए इसके आगे आ जाएगा, तो एल्फा यू और बीटा यू ये भी जीरो है, यानी एल्फा डॉट जीरो बराबर बीटा डॉट जीरो बराबर जीरो। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट बी बराबर आर फोर एंड कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ बी। बी का कौन सा सबसेट है? ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर बिलोंग्स टू आर फोर, जहाँ पे 2x1 - 3x2 + x3 - x4 7x4 इक्वल टू जीरो। इज डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ बी, इज डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं, द सेट डब्ल्यू इज द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स 1x4। तो डब्ल्यू जो है वो नल स्पेस है इसका, डब्ल्यू का जो 1x4 का मैट्रिक्स, एंड ये जो गिवन किस तरह ए को किस तरह से दिया जा सकता है, टू, ये वाला टू वैसे 2 - 3 - 1 और - 7, ये तो W बराबर जो है क्या बेसिकली नल नल स्पेस ऑफ टी। तो ये जो और नल स्पेस जो होता है वो सब स्पेस होता है, जो यहाँ से कह सकते हैं W जो है वो नल स्पेस है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल है, फाइंड द स्पेनिंग सेट फॉर ऑल द नल स्पेस ऑफ द वेक्टर्स। ये है, तो हमें यहाँ पे स्पेनिंग सेट निकालना है फॉर द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, इस ए के जो नल स्पेस के लिए। तो बेसिकली द सेट ऑफ ए जो है इज अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम जो है ए एक्स बराबर जीरो का सॉल्यूशन होता है। तो ये इसमें हमने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किए तो हमारे पास ए बराबर ये आ गया। तो क्लियरली आर जो है वो अगर रैंक ऑफ ए है तो रैंक ऑफ ए बराबर क्या है, रैंक ऑफ ए जो है वो टू है, और सिंस एन बराबर फाइव, एन बराबर यानी टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 5, तो यहाँ पे जो फ्री वेरिएबल्स है वो क्या हो जाएगा, एन माइनस आर यानी कि 5 - 2, तो ये हो गया 3। तो 3 जो है वो फ्री वेक्टर्स हैं। वी हैव 3 वेक्टर्स इन द स्पेनिंग सेट फोर ऑफ नलिटी, तो उसमें 3 वेक्टर्स होंगे, लेटिंग उसको हमने ले लिया। तो इसके लिए ले लिया सपोज कि x5 बराबर ले लिया हमने,
ये बेसिकली एक्स फाइव बराबर अगर ले लिया हमने टी वन एंड एक्स फोर बराबर टी टू, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन जो आएंगे, यहाँ से जो रिलेशन आएगा, एक तो रिलेशन आएगा हमारे पास एक्स थ्री, अगर यहाँ से रिलेशन निकालना चाहे तो एक्स थ्री प्लस टू एक्स और यहाँ पे फोर प्लस सॉरी माइनस टू एक्स फाइव इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स फाइव और एक्स फोर की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स थ्री की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब इसी तरह से यहाँ पे एक रिलेशन आएगा, रिलेशन कौन सा आएगा, वो एक्स वन माइनस टू एक्स टू, यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स फोर माइनस एक्स फोर प्लस थ्री एक्स फोर फाइव इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हम एक्स इसमें एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, जो कि हमारे पास नीचे ये रिलेशन है हमारे पास टू एक्स थ्री सॉरी टू टी थ्री प्लस टी टू माइनस थ्री टी वन, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम एक्स को लिखना चाहें तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिख सकते थे, अगर टी वन टी टू की फॉर्म में हम लिखना चाहें तो बेसिकली एक्स वन क्या है ये टू, अगर ये है हमारे पास अगर थ्री पहले थ्री वाले टर्म लिख दे थ्री टी वन माइनस थ्री टी वन प्लस टी टू एंड प्लस टू टी थ्री और एक्स टू बराबर टू माइनस टू, पहले टू टी वन आएगा माइनस टू टी टू और ये हमारे पास आ जाएगा टी वन और टी टू और यहाँ पे एक्स थ्री की वैल्यू जो है एक्स थ्री की वैल्यू है एक्स वन की वैल्यू है इसकी टी वन और एक्स फोर की वैल्यू टी टू। सॉरी फ्रेंड्स वीडियो पॉज हो गई थी, तो हम यहाँ पे यहाँ तक तो हर कोई पहुँच जाएगा, अगर आप मुझे थोड़ा मिस चांस है कि मैं कहाँ पर पढ़ाया था, लेकिन यहाँ तक हर कोई पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ निकाल लेगा, तो उसके बाद स्पेन ऑफ ए जो है नल ऑफ ए जो है वो बेसिकली ये वेक्टर है वी वन वी टू वी थ्री, ये वेक्टर्स जो है वो है, तो यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ए वी वन बराबर ए वी टू बराबर ए वी थ्री बराबर जीरो होगा। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, लेट ए बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस वन बी द मैट्रिक्स द स्पेन ऑफ द कॉलम ए इज कॉल्ड द कॉलम स्पेस ऑफ ए, जो एक मतलब जो मैट्रिक्स है ऐसे कॉलम्स जो कि उसको स्पेन कर रहे होंगे वो स्पेन ऑफ ए कहलाते हैं, और एक्सप्लिसिटली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्पेन ऑफ ए बराबर ए बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन, तो यहाँ से एक जो रिलेशन आ गया वो आया हमारे पास रेंज ऑफ टी ए, जो रेंज ऑफ टी ए जो होता है वो बेसिकली कॉलम स्पेस ऑफ ए होता है। अब यहाँ से एक थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे द कॉलम स्पेस ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज द सब स्पेस ऑफ आर एम, तो कॉलम स्पेस जो होता है वो एक सब स्पेस होता है आर एम का, तो और यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं लेट ए बराबर ये है बी बराबर ये है इज बी इज द कॉलम स्पेस ऑफ बी इज द कॉलम स्पेस, यानी कि बी जो है वो कॉल ए है ये है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए हम पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे इसका, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए तो इसको सॉल्व करने के लिए द वेक्टर बी इज द कॉलम स्पेस ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर फोर सच दैट ए एक्स बराबर बी, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू आर फोर अगर एग्जिस्ट कर जाता है, यहाँ पे या जो पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जैसे ये एंट्रीज उसके बाद ये एंट्रीज, तो ये एंट्रीज के बाद जब हम उसको सॉल्व करेंगे रो ऑपरेशन से तो उसकी हम रैंक देखेंगे, यानी कि उसका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं, अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे बी जो है वो कॉलम ऑफ ए है, तो कॉलम स्पेस ऑफ ए है, तो इस तरह से यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इजीली बी बी जो है वो कॉलम स्पेस होगा क्योंकि इसकी रैंक जो है वो थ्री है, इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, सॉल्यूशन एक एटलीस्ट एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, एक सॉल्यूशन इसका इजीली एग्जिस्ट कर जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी जो है वो कॉलम स्पेस ऑफ ए है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंस बेसिस एंड डायमेंशन, थैंक यू फ्रेंड्स।